तो बच्चों, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लाइट। ठीक है, इसमें आपका चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है बेटा, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो अभी हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन वाला पार्ट करेंगे, फिर बीच में ब्रेक देके रिफ्लेक्शन करेंगे, ताकि हमें रिफ्लेक्शन वाले फॉर्मूले भी क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। ठीक है, न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें से, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा याद करने वाला नहीं है, समझने वाला है। तो प्लीज एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम करते ही केमिस्ट्री पे आएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि लाइट क्या है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन जो पढ़ना है वो किसका है बेटा, लाइट का है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, ये इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वगैरह वगैरह। तो डाले इंट्रोडक्शन में पहले मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बच्चों लाइट जो है ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी थिंग अराउंड अस। कहने का मतलब है कि लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी मदद से मैं अपने आसपास की चीजों को देख पाता हूँ। ठीक है, लाइट मेरे लिए उतनी ही जरूरी है सुप्रिया जितना कि हमारे लिए आंखें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी अंधेरे में जाते हो तो आप चाहकर भी कुछ नहीं देख पाते, आपके पास आंखें होती हैं लेकिन उसके बाद भी आप घने अंधेरे में नहीं देख पाते। यानी आपकी आंखें हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन साथ के साथ उनको देखने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट भी होनी चाहिए। तो जितना इंपॉर्टेंट लाइट है उतनी इंपॉर्टेंट हमारी आईज है, यानी एक दूसरे के बिना दोनों बेकार है। लाइट है तो आंखों को होना जरूरी है, और अगर आंखें नहीं है तो लाइट बेकार। ठीक है, तो लाइट क्या है, इज एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी थिंग अराउंड अस, जिसकी मदद से मैं अपने आसपास की चीजों को देख सकता हूँ। ये जो लाइट है ना, मैं किसकी मदद से डिटेक्ट करता हूँ बेटा, आंखों की मदद। किसकी मदद से, आंखों। तो कौन डिटेक्ट करता है, हमारी हेल्प कौन करता है लाइट को डिटेक्ट करने में, अब कैसे करता है वो चैप्टर है इसमें, ह्यूमन आई, वो भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, तो फिलहाल हम लोगों को जो मेन है वो पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो लाइट को डिटेक्ट कौन करता है बेटा, हमारी। ठीक है, मैं आसपास अपनी चीजों को क्यों देख पाता हूँ, क्योंकि लाइट आती है उन चीजों पे टकराती है और देन वो मेरे पास आती है, इसी वजह से मैं अपने आसपास की चीजों को देख पाता हूँ। अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो सब बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट, सभी लिखेंगे मेरे साथ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग अराउंड अस। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग अराउंड अस। आप मूवी थिएटर में जाते हो तो वहां मूवी को देख पाते हो, क्यों, क्योंकि वहां पर लाइट है। आप दिन में अपने आसपास की चीजों को देख पाते हो क्योंकि लाइट है। आप इस कमरे में बैठे हो तो आप इजिली सब कुछ देख पा रहे हो क्योंकि लाइट है। अब आप इजिली नहीं देख पाओगे क्योंकि लाइट चली गई। अभी भी आप देख पा रहे हो क्योंकि कुछ लाइट सन की आ रही है। आप अभी भी मुझे देख पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके पास कुछ लाइट लैपटॉप की आ रही है। लेकिन अगर ये लाइट वापस आ जाए तो आप इजिली सब कुछ देख सकते हो क्योंकि आपकी आंखें आसानी से उसको डिटेक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो लाइट समझ में आया क्या है, एक एनर्जी है जिसकी मदद से मैं अपने आसपास की चीजों को देख सकता हूँ। तो अगला पॉइंट लिखिए इसमें, वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आईज। मैं आंखों आंखों की मदद से ही लाइट को डिटेक्ट करता हूँ। वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आईज। ठीक है, अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पाते, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वहां कोई लाइट नहीं है। लेकिन मैं उजाले में सब कुछ देख पाता हूँ, क्योंकि जो लाइट है वो आसपास की चीजों को क्या करा देती है, हमारे लिए विजिबल। क्या करा देती है, विजिबल, समझते हो ना, हम डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, आया समझ में बेटा। याद रखना, हमारी आंखों की एक खासियत है, देखो उससे मतलब नहीं है कि सोर्स कौन है लाइट का, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात है, मान लीजिए ये हमारा एक कमरा है, एक रूम है। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूं, यहां मेरी क्या लग रही है, जैसे इस कमरे में ही बात करें जाए तो ऊपर ट्यूबलाइट लग रही है, दो ट्यूबलाइट है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना, ये और ये दो ट्यूबलाइट लग रही है, ऊपर लग रही है, ऊपर की तरफ। ठीक, अब क्या है, ये लाइट ने चारों तरफ क्या दी, अपनी रोशनी दी। अब इससे एक रोशनी मेरी आंखों की तरफ जा रही है,
मेरी आंखें क्या करेंगी, उस लाइट को डिटेक्ट करेंगी और मैं इजिली कह सकता हूँ कि ऊपर क्या लग रही है, ट्यूबलाइट। अब क्या हुआ, मान लीजिए यहां पर क्या लग रहा है, एक फैन लग रहा है। अब ये लाइट इस पे आई, इस पे टकराई और टकरा के मेरी आंखों की तरफ आ गई। तो बेटा मेरी आंखें जो है ना, उसको ये मतलब नहीं है कि ये लाइट कहां से आ रही है, उसको तो इससे मतलब है कि ये जो लाइट आ रही है वो किस ऑब्जेक्ट से आ रही है। उसको ये मतलब नहीं है कि सोर्स कौन है, हालांकि ये इसकी खुद की लाइट नहीं थी, इसने क्या करा, केवल इस ट्यूबलाइट की लाइट को रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों पर पहुंचाया। लेकिन मेरी आंखों का काम क्या है, केवल जिस भी ऑब्जेक्ट से वो रे आ रही है उसको डिटेक्ट करना, उससे मतलब नहीं है कि चाहे सोर्स हो या ना हो। तभी तो सन की रोशनी चारों तरफ आती है तो आप लोगों को चारों तरफ दिख जाती है और आप उन्हीं ऑब्जेक्ट को देख पाते हो जिसपे लाइट पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के लिए केवल क्या इंपॉर्टेंट है कि जिस भी ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रही है वही इंपॉर्टेंट है, उसी को डिटेक्ट करेगा वो। अब देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी खुद की लाइट तो नहीं थी, ये किसकी लाइट टकरा के दे रहा था हमें, ट्यूबलाइट की, ठीक है। इसलिए तो अब जब आंखों को क्या लगेगा कि ये लाइट किससे आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से, इसलिए वो केवल किसको डिटेक्ट करेगा, इसको। आप खुद देखो लाइट है, अपने चारों तरफ देखो, आपके यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पे आपको उजाला दिख रहा है, ये इसकी लाइट थोड़ी है, ये तो जो हमारे कमरे में लाइट लग रही है उसकी टकरा के आपकी आंखों के पास आ रही है, समझ रहे हो ना। तो सोर्स ये थोड़ी है, इसकी खुद की लाइट थोड़ी थी, इससे तो टकरा के आपको दी है लाइट, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी आंखें हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो लाइट किस ऑब्जेक्ट से आ रही है। अब वो चाहे उसकी हो या ना हो, डजंट मैटर, ठीक है। हाँ, अगर आप डायरेक्ट सोर्स को देखोगे तो आप सोर्स भी देख सकते हो, आप सन को देखोगे डायरेक्ट सन को देख सकते हो। सन की लाइट जहां जहां पड़ी और जहां जहां टकरा के आपके पास आई, वो सारी चीजें भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है अगला टॉपिक, किसी को डाउट है हैंड रेज कर सकता है। हमारे पास अब ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्सेस, लाइट के सोर्स पे बेटा हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं बच्चों। एक होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, विच एमिट देयर ऑन लाइट, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टॉर्च, कैंडल, ये जो आपके कमरे में ट्यूबलाइट लग रही है, सन, ठीक है, या फिर लेजर लाइट, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ऑन लाइट आर सेड टू बी एज अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे उसको, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जो केवल क्या काम करते हैं, दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करके जगह जगह देते हैं, उसे क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले बात करेंगे ल्यूमिनियस की, ठीक है। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच एमिट या दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ऑन लाइट आर सेड टू बी एज अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और बेटा इनकी जो संख्या है, इनकी जो क्वांटिटी है, वो बहुत कम है। देखा जाए तो हमारे इस कमरे में ही देख लो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कितने हैं, केवल केवल दो ही तो हैं। लेकिन ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कितनी चीजों को दिखा रहे हैं, बहुत सारी नॉन ल्यूमिनियस, आप, मैं, ये बोर्ड, ये दीवार, ये एसी, आपकी कॉपी, आपके पीछे कर्टेन, ये सब नॉन ल्यूमिनियस है। यानी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते तो बहुत कम है, मगर वो कम होने के बाद भी इतनी सारी चीजों को विजिबल करवा देते हैं, अपने आसपास की चीजों को विजिबल करा देते हैं। जैसे देखा जाए तो पूरी धरती के लिए केवल एक ही ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम है सन, और उस सन की मदद से मैं अपनी चारों तरफ की चीजें देख सकता हूँ। लाइट दोबारा से बंद करी, थोड़ी सी रोशनी आपको दिख रही होगी, अभी भी देखो ये सन की रोशनी तो आ रही है, इसी की वजह से मैं सूर्य को देख पा रहा हूँ, यहां मैं सहज को नहीं देख पा रहा। क्यों, मुझे पता है कोई ऑब्जेक्ट है मगर मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा लाइट को, यहाँ मैं लाइट डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, रीजन क्योंकि सन की लाइट यहाँ आ रही है। वो क्या था, ल्यूमिनियस, ये क्या थी, नॉन ल्यूमिनियस, फिर भी मैं इसको देख पाया, क्यों, क्योंकि सन की लाइट यहाँ आ रही है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते बहुत कम है क्वांटिटी में, लेकिन छोटे होने के बाद भी वो अपने आस पास की ऑलमोस्ट सभी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को विजिबल करा देते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ही काफी होता है चीजों को आसपास विजिबल कराने के लिए, ठीक। तो इसमें लिखिए अगला पॉइंट, द ऑब्जेक्ट्स लाइक या दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ऑन लाइट, देखिए अभी वो समझाएंगे एग्जांपल, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, कि मानना बस एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है, लेना मिस मत करना, कोई दिक्कत है बेफिक्र होके पूछो बिना घबराए। दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर own light, those object which emit their own light
आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा ल्यूमिनियस बैटरी भी आती है, वो इसी के नाम से पड़ी है. आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, LUMINIOUS, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड एज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जिनकी खुद की लाइट होती है ना. एग्जाम्पल लिख लीजिए सन, ऑल स्टार्स, जितने भी स्टार्स किसे कहते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, स्टार, टॉर्च, स्टार, टॉर्च, कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट, फायर, जिनकी खुद की लाइट है उन्हें क्या कहेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. फायर है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है. ठीक है, चलिए आगे चलिए. ये वाली बात मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि कहोगे भैया एक एक चीज नहीं लिखी जाती. आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये नंबर में तो बहुत कम होते हैं लेकिन उसके बाद भी ये क्या काम करते हैं, आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा हमें विजिबल करवा देते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा. एक इस तरीके से समझिए, मान लीजिए जैसे मैं इस कमरे में ही बैठा हूँ या आप अपने कमरे में बैठे हैं, ये हमारा रूम है. ठीक है, जो जो मेरे कमरे में आया है उन्होंने देखा होगा, जो जो यहाँ पढ़ता है, यहाँ पर क्या है, दो सोर्स लग रहे हैं, दो ट्यूबलाइट लग रही है. मैं बता रहा हूँ ऐसे कैसे होता है ना, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, बेसिक है. अब यहाँ पर क्या है, एक कबर्ड है. ठीक है, इस बेंच को देखो, इस बेंच को देखो, ये बेंच है वो. ठीक है, अब क्या हुई, ये जो लाइट पड़ी इस पे, ऐसे तो है नहीं एक पार्टिकल आ रहा, कई लाखों करोड़ों पार्टिकल आ रहे होंगे. हाँ, ये ना इसकी बात करो, ये कोई इस डायरेक्शन में गया, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो. उसी तरीके से इसकी भी पड़ी होगी, कोई इस डायरेक्शन में गया, कोई इस डायरेक्शन में गया. ठीक है, अब जहां जहां मान लो मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, अब ये जो गैप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी बहुत सारे पार्टिकल होंगे, हर जगह रे बढ़ गई होगी, लाखों करोड़ रे हैं. अब जहां जहां भी हम जाएंगे इस कमरे में, इस जगह पूरे एशियन में, हमें क्या दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि इसने दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाया. तो हमारी आंखों को क्या लगेगा कि ये जो लाइट है वो किससे आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, और वो सीधा सीधा किसको डिटेक्ट करेगा, इसको ही डिटेक्ट करेगा. जैसे आप सामने ये लैपटॉप को देख पा रहे हो, ये बेंच को देख पा रहे हो, चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो, क्योंकि इन दोनों लाइट की रोशनी इस बेंच पे पड़ी, इस बेंच पे पड़ने के बाद वो इधर भी गई, उधर भी गई, उधर भी गई, उधर भी, चारों तरफ बढ़ गई, और चारों तरफ बढ़ने के बाद आप उसको इजिली देख पा रहे हो, क्योंकि आंखों को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट का जो रोशनी है वो किससे आ रही है, लाइट इस चीज से आ रही है. ठीक है, तो इसी तरीके से क्या, अब ये तो एक ऑब्जेक्ट है. अब देखो सुनो, यहां पर मान लो एक चेयर रखी थी, अब ये ऑब्जेक्ट रे इस पे टकरा, इससे ऐसे टकरा गई, ऐसे टकरा गई, समझ गए, सोर्स तो ये था, टकराई इस पे, इससे फिर इससे टकरा गई. अब यहां पर जो भी देखेगा, जो भी ये आंख मान लो, जो भी देखेगा उसे लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है. फिर मान लो बीच में कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, उसने वापस ऐसे टकरा दी, ऐसे टकरा दी. यानी इस तरीके से हमारी ल्यूमिनियस लाइट जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट पे टकराती है, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से तीसरे ऑब्जेक्ट, तीसरे से चौथे, और पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है. और आप कहीं भी किसी भी चीज को देखोगे तो आप इजिली उसको डिटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो देखो दो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ने कई चीजों को विजिबल करा दिया, थे तो दो मगर विजिबल क्या करा दिया, कई चीजों को जो भी उनके रास्ते में आएगा, जिससे भी वो टकराएंगी और जिसको हमारी आंखें डिटेक्ट करेंगे. ठीक है, तभी समझाऊंगी. ठीक है, इसी बात पर अगला पॉइंट लिखिए. अब नॉन ल्यूमिनियस के बारे में लिखिए बेटा. दोज ऑब्जेक्ट, मन लगा के पढ़ाई करिए सब प्लीज, है ना, कोई दिक्कत है बेफिक्र होकर पूछेंगे, अभी पूछा जाएगा आपसे भी. दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट एमिट, दोज ऑब्जेक्ट्स, देखिए, those objects which do not emit light themselves, जो अपने आप खुद की light emit नहीं करते, which do not emit light, केवल क्या काम करेंगे, ये reflect करेंगे, जो भी रोशनी इन पर पड़ेगी उसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट. विच डू नॉट एमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन देम, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन देम,
कॉमा आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी के हिसाब से मेरा लाइट में कुछ इंट्रोडक्शन खत्म होता है। होपफुली आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। क्या एक रिविजन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द थिंग अराउंड अस। लाइट क्या है, एक एनर्जी है जिसकी मदद से मैं अपने आस पास की चीजों को देख सकता हूँ। लाइट को मैं डिटेक्ट करता हूँ किसकी मदद से, अपनी आंखों की मदद से। आंखों के बिना लाइट खराब है, लाइट के बिना आंखें बेकार है, दोनों का होना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में आप तब भी कुछ नहीं देख पाते आंखें होने के बाद भी। अब बेटा तो हमारे पास लाइट के बिहाफ पे हमने देखा दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है ल्यूमिनियस, एक होता है नॉन ल्यूमिनियस। वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की स्वयं की लाइट होती है, जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, सन, टॉर्च, वो कहलाए जाते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जो केवल दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करके आगे पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी के साथ मेरा पहला टॉपिक खत्म होता है। नाउ प्लीज राइट डाउन द हेडिंग नेचर ऑफ लाइट। ये स्कूलों में नहीं बताया जाता, पहले कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th में यही पढ़ोगे फिर आप वेव ऑप्टिक्स में। नेचर ऑफ लाइट, क्या है टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट। अभी नेचर से क्या मतलब है, नेचर मतलब वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करती है, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी तो पता होना चाहिए। जब लाइट के बारे में आप पढ़ रहे हो तो लाइट के बारे में पूरा पढ़ो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहे तो आप पूछ के देखना, आधों को पता नहीं होता। नेचर ऑफ लाइट बेटा, नेचर ऑफ लाइट में याद रखना, लाइट जो है ना वो दो प्रॉपर्टी, दो तरीके की थ्योरी है उसके ऊपर कि लाइट क्या है, कैसी है, किस चीज से मिलकर बनी है, उसके ऊपर दो थ्योरी है आज तक की, और दोनों ही थ्योरी सही होती है। कहीं पर कुछ थ्योरी फॉलो होती है तो कहीं पे कोई सी थ्योरी। अब वो दो थ्योरी कौन कौन सी है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो है, दे आर टू थ्योरीज, पहले सुनेंगे फिर लिखवाएंगे। देखो सबसे पहले जो थ्योरी हम लाइट की पढ़ते हैं वो है वेव थ्योरी। ये माना जाता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लाइट है वो चलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली मैं रिपीट कर रहा हूं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो लाइट है वो किस फॉर्म में चलती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उनको चलने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस, वो वैक्यूम में भी चल सकती है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उनको अपने आप को चलाने के लिए किसी पर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो 9th क्लास में आपने साउंड में पढ़ा था कि मीडियम की जरूरत होती है बातचीत करने के लिए, मीडियम की जरूरत होती है। अगर आप वैक्यूम में बात करेंगे तो आपको हम बात नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो कहीं से कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकती है। ठीक है, स्वयं, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अभी लिखवाएंगे, पहले लिखना मत कोई भी, प्रोपगेशन। अगला क्या आता है, जब ये वेव है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, जहां से वेव अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दे वहां तक की लेंथ। जैसे यहां से रिपीट हो रही है वेव, देखो ये जो पार्ट यहां आ गया वही पार्ट यहां है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे क्या कहते हैं, वेवलेंथ, या कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। और ये कहा गया कि ये जो वेवलेंथ है इनकी लेंथ बहुत छोटी होती है, 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, क्या बोला गया, दोबारा सुनो, मैं तीनों को कंबाइन करके दोबारा बताता हूं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, एंड द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, जो भी विजिबल लाइट आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, एंड दे ट्रेवल एट अ वेरी हाई स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये होती है हमारी, ये किसने बताया, ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है, वेव थ्योरी के, किसके अकॉर्डिंग, वेव थ्योरी के। तो वेव थ्योरी अगर बोलेगा तो एक थ्योरी तो ये है लाइट की, कि भैया लाइट ये चीजें फॉलो करती है। ऐसा क्यों,
क्योंकि जैसे आप लोगों को तो पढ़ना है इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये दो चीजें नहीं होती, और भी कई सारे फिनोमेना होते हैं बेटा। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब आप इलेवंथ में जाओगे तो आप तीन चीजें और पढ़ोगे। पहला है डिफ्रेक्शन, दूसरा है इंटरफ्रेंस। ये सब भी एक फेनोमेना है जो आप आगे पढ़ोगे, और एक होता है पोलराइजेशन। तो हमने ये देखा जब ये तीनों फेनोमेना हो रहे थे तो यहाँ कौन सी थ्योरी फॉलो की हो रही थी, लाइट का कैसा नेचर था, वेव थ्योरी। लाइट कौन सी नेचर फॉलो कर रही थी, वेव थ्योरी। तो यहां से ये प्रूफ होता है कि यस लाइट के पास कौन सा नेचर होता है, वेव थ्योरी वाला नेचर होता है। चलो लेकिन ये केवल किस किस में देखा गया, या तो डिफ्रेक्शन में, जैसे रिफ्लेक्शन होता है ऐसे ही एक प्रोसेस होता है डिफ्रेक्शन। डिफ्रेक्शन क्या होता है, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, बहुत ही बहुत छोटे पार्टिकल है उसके कॉर्नर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसी को डिफ्रेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए। उसी तरीके से इंटरफेरेंस एक कॉन्सेप्ट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना, ये है ही नहीं आपके सिलेबस में, ये तो इलेवंथ में पढ़ोगे ये वाला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है दूसरी थ्योरी, ठीक है, ठीक एक हाँ। तो ठीक है, ये तीनों कौन सी थ्योरी फॉलो करते हैं फिनोमेना, वेव थ्योरी। यहाँ पर मेरी वेव थ्योरी का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, मेरा वेव थ्योरी वाला पार्ट खत्म होता है। अब दूसरी थ्योरी क्या है, मैं लिखता हूँ क्या थ्योरी क्या, ये बताया है कि क्या क्या थ्योरी, क्या क्या कैसे चलती है लाइट, क्या क्या खासियत है। पहली खासियत क्या है कि वो जब चलेगी एक जगह से दूसरी जगह तो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दूसरा, उन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, बहुत। तीसरा, कि वो जो वेवलेंथ है उनको कोई मीडियम की जरूरत। और चौथा, कि उनकी जो स्पीड होगी वो बहुत। और साथ के साथ ये तीनों कहां देखी जाएगी, ये थ्योरी कहां कहां किस किस जगह देखी गई, डिफ्रेक्शन में, इंटरफेरेंस में और पोलराइजेशन। तो ये वेव थ्योरी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। चलो पहला नेचर तो ये हो गया नेचर लाइट का, अब आती है दूसरी क्या थ्योरी है। मैं इरेज करूँ, लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, सब स्कूल में दूर दूर तक होगा भी नहीं, पक्की बात है ये। अगला आता है दूसरी थ्योरी क्या होती है, पार्टिकल थ्योरी। बेटा पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनती है, और सभी पार्टिकल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, बस एट अ वेरी हाई स्पीड, जो कि आपको पता है 3×10^8। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल थ्योरी के क्या क्या है कि लाइट इज कम्पोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, लाइट जो है वो बहुत ही बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है, और वो सभी पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं। और ये जो थ्योरी है वो हमारी कहाँ कहाँ फॉलो होती है, इन द रिफ्लेक्शन, यानी सबसे कॉमन यही थ्योरी है और रिफ्लेक्शन, लेकिन होती तो वो भी है ना, तो दोनों को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एक को नहीं मान सकते। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट कंपोज ऑफ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, लाइट जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है, और वो सभी पार्टिकल्स आपके मूव करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, वेव्स में नहीं, किसमें, इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, दैट इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। और ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो और ये थ्योरी कहाँ कहाँ फॉलो करी गई, कहाँ कहाँ देखी गई, कहाँ कहाँ देखी जाती है, जो आपके डेली लाइफ में शेडो बनती है। शेडो एक एग्जांपल देता हूँ कैसे प्रूफ होगा। आपने देखा होगा जब आप लेजर लाइट लाते हो, लेजर लाइट मत लाओ, आप कभी ना शीशे में ना टॉर्च मारना, वो ऐसे जाएगी और आपको ऐसे आते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो आप देखोगे बिल्कुल सीधी सीधी जा रही हो, सीधी सीधी आ रही है ना। या आपने देखा होगा जब लेजर लाइट मारते हो तो बिल्कुल सीधी एक पॉइंट पर जाती है, वो बटती हुई नहीं जाती है ना, ठीक है। हालांकि उसमें देखोगे वेव्स बनेंगी। या फिर आपने देखा होगा जब धूप के पार्टिकल्स आते हैं, कोई हल्का सा छेद हो जाए तो बिल्कुल सीधी आती है। तो वो क्या प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करता है कि वो लाइट जो है देखो सीधी ही आएगी, है ना। अगर मान लो ये वेव में होती तो ये चारों तरफ क्या हो जाती, पानी की तरह बढ़ जाती, जैसे पानी वेव्स में चारों तरफ बढ़ जाता है, वो एक ही पॉइंट पे आके अटक रही है, यानी कि वो किस फॉर्म में आ रही है, पार्टिकल्स। तो जगह जगह पार्टिकल थ्योरी फॉलो होती है, तो जगह जगह वेव, तो हम कहें कौन सी माने। तो बेटा ये कहा गया कि लाइट है वह ड्यूअल नेचर, लाइट पे दोनों ही नेचर होते हैं, डिपेंड करता है कि उसके साथ क्या काम किया जा रहा है, किस सिचुएशन में है वो। अगर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस समय वो बिहेव करेगी ऐसा पार्टिकल थ्योरी, वहां पार्टिकल थ्योरी होती है। और अगर डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन इंटरप्रेशन की बात करें तो वहां वेव थ्योरी। और इन दोनों को कंबाइन करके आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें एक थ्योरी बनाई गई जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें दोनों ही थ्योरी इन्वॉल्व, ठीक है। इस तरीके से मेरा नेचर ऑफ लाइट भी खत्म होता है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको सिलेबस में केवल कौन सा पार्ट पढ़ना है,
सिलेबस में तो है, मगर आपको जो डीप पढ़ना है वो किसके रिलेटेड पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी वहाँ कौन सी थ्योरी मानेंगे हम, पार्टिकल थ्योरी। क्या कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें नेचर ऑफ लाइट में पहला पॉइंट सभी, और देन हम इसको डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक खत्म होगा फिर आज हमारा। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, लाइट के ऊपर दो थ्योरी बनी है बेटा। देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द, फिजिक्स में नंबर नहीं कटने दूंगा, तैयार हो बस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। पहला लिखिए वेव थ्योरी, देयर आर टू थ्योरीज, नोट्स बनाते रहो, देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। फर्स्ट वन इज वेव थ्योरी, लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिख लो अपनी भाषा में, लाइट कंसिस्ट ऑफ, लिख लो अपनी भाषा में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिख लो जल्दी से फिलहाल, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। आगे लिख लीजिए वेवलेंथ, लिख लीजिए शॉर्ट में वेवलेंथ, अगला पॉइंट डाल के, वेवलेंथ कितनी होती है, 4 × 10⁻⁷ - 7 m / 8 × 10⁻⁷। अगला पॉइंट, वेवलेंथ विजिबल लाइट की, विजिबल मतलब जो हम देख सकते हैं, 4 × 10⁻⁷ से अलग अलग वेवलेंथ होती है बच्चों, लेकिन जो विजिबल लाइट है उसकी ये होती है, वेरी स्मॉल वेवलेंथ। और स्पीड लिख लो, और स्पीड कितनी से मूव करते हैं वो, किसने बोला आपसे, हर लाइट विजिबल नहीं होती, बहुत सारी लाइट विजिबल नहीं होती, ठीक है, ठीक, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक, आपको रेड लाइट विजिबल हो रही है सन की रोशनी में, अभी सन की लाइट में रेड लाइट विजिबल होती है, सुबह के समय को छोड़ के कहीं और विजिबल होती है, ठीक, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, आगे सुनिए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और स्पीड कितनी होती है इसकी, 3 × 10⁸ m पर सेकंड। अब ये कहां कहां होते हैं ये प्रोसेस, लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, लिख लीजिए डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, INTERFERENCE, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन एक्सप्लेन बाय वेव नेचर। ठीक है, कौन सी नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं, वो वेव नेचर से, लाइट के वेव नेचर से। ठीक है, एग्जाम्पल जहां जहां ये फॉलो होती है, इस जगह फॉलो होती है। अब दूसरी थ्योरी क्या फॉलो होती है हमारी, पार्टिकल थ्योरी। तो लिख लीजिए शॉर्ट में बस, लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, नोट्स देखूंगा सबके अभी, पहले कह रहा हूं, लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। ओके, और इसी के साथ इसमें एग्जाम्पल लिख लो कहाँ कहाँ होती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन या फॉर्मेशन ऑफ शेडो। शेडो बनती है परछाई, जैसे परछाई बन रही है, ये मेरी परछाई दिख रही है ना आपको, शायद ये हल्के से दिख रही होगी, ये मार्कर की परछाई है ना, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। तो दोनों का एविडेंस है कि लाइट का पार्टिकल थ्योरी भी होता है और वेव थ्योरी भी, तो इसलिए हम कहते हैं कि लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। इस थ्योरी को हम ड्यूअल नेचर के नाम से भी जानते हैं, या क्वांटम थ्योरी, ठीक है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में बताई गई है। चलिए, इसी के हिसाब से मेरा ये वाला पार्ट खत्म होता है। नाउ प्लीज राइट डाउन द हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मेरा अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। प्लीज राइट डाउन द हेडिंग, थोड़ी सी देर और लूंगा, बस 5 मिनट की क्लास और लूंगा, इसके बाद और करेंगे, डिस्कशन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिए जब भी लाइट
किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो उससे टकरा के वापिस आती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मगर मोस्टली जब लाइट किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो उस पर टकरा के वापिस आती है। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे समझो जैसे आप दीवार पे अगर बॉल मारते हो तो बॉल टकरा के वापिस आती है, उसी तरीके से जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो टकरा के वापिस आती है। और इसी यही जो प्रोसेस हो रहा है टकरा के वापिस आना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से लाइट का टकरा के वापिस आना ही क्या कहलाया जाता है। और इसी रिफ्लेक्शन की मदद से तो आप आसपास की चीजें देख पाते हो, कैसे लाइट आई इस बोर्ड पे पड़ी टकरा के आपके पास आई, इस अगर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता तो आपकी आंखें किसको डिटेक्ट करती, लाइट आई इस पे टकराई और आपके पास गई, तो ये रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट का टकरा के वापिस आना, ठीक है, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है ये, कहीं भी, तभी तो हम अपने आसपास के नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है जगह जगह, नहीं हो रहा होता रिफ्लेक्शन तो कहां देख पाते, हमें कैसे हमारी आंखें डिटेक्ट करती है ना। तो लिख लीजिए इसमें छोटा सा, जस्ट लाइक दिस, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, सोर्स है मान लो, तो लाइट टकरा के वापिस किसी भी डायरेक्शन में चली गई, वो डिपेंड करेगा कहां जा रही है, ये सभी क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, है ना। तो लिख लो, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, विच इफ फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। The process of sending back of light rays which fall on the surface of an object, comma, is called a reflection of light. यही फिनोमेना क्या कहलाया जाता है, रिफ्लेक्शन, किसी भी पॉइंट पे लाइट का टकरा के वापिस आना, बस मीडियम ट्रांसपेरेंट ना हो, अगर आप ट्रांसपेरेंट ना हो तो ट्रांसपेरेंट होगा तो वो लाइट अंदर आर पार हो जाती है, सरफेस of an object is called reflection of light. ठीक है बेटा, अब क्या होता है, देखो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कम रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, वो सरफेस जो पॉलिश वाले होते हैं, शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, वो रिफ्लेक्शन को ज्यादा अच्छे से दिखाते हैं। जैसे जब स्टील के नए नए बर्तन आते हैं घर में, नई नई चीज, तो आप उसमें अपना चेहरा आसानी से दिख सकते हो, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। तो बेटा कुछ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन अच्छा शो करते हैं तो कुछ कम, वो डिपेंड करेगा कि वो कितना स्मूथ है, कितना चमकदार है, कितना शाइनी है। तो वो ऑब्जेक्ट जो चमकदार, शाइनी, पॉलिश ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छी अमाउंट में रिफ्लेक्शन करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो डल होते हैं, जस्ट लाइक दिस, डल होते हैं, डल खुदरे से होते हैं, जैसे हम लोग भी डल में ही आते हैं, डल दीवारें, वो रिफ्लेक्शन एक पूरी तरीके से अच्छे से नहीं कर पाते। जो पॉलिश वाले रिफ्लेक्शन होता है, जो चमकदार होता है, वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन करता है, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे। आप देखो कभी शीशे पे लाइट डालोगे तो जैसे डालोगे वैसे ही वापस आती है, लेकिन अगर आप वही लाइट दीवार पे डालोगे तो दीवार पकड़ा के वो कुछ ऐसा सा शेडो सा बना लेगा अंदर से, गोल गोल सा, ऐसा देखना, जैसे लाइट यहाँ पड़ी ऐसे, तो वो चारों तरफ ऐसे कुछ ऐसा सा बन जाएगा, कभी देखना, है ना। यानी कि उसने चारों तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, उसने अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं करा। लेकिन जब आप शीशे पे डालते हो तो शीशे पे गई वो दिखेगा और ऐसे टकरा के वापस आ जाएगी, ऐसे मान लो ये शीशा है मेरा, तो ये टकराई और टकरा के सीधा वापस आ गई। लेकिन अगर ये सरफेस होता तो यहीं पे टकरा के ये आधी इधर, आधी इधर, आधी इधर, आधी इधर, ऐसे हो जाते, है ना। तो कुछ सरफेस तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन शो करते हैं और कुछ सरफेस बहुत गंदा, बेकार रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये माना गया है कि जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का, जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन शो करता है, वो होता है सिल्वर मेटल। तो अगर क्वेश्चन आया विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, दैट इज सिल्वर मेटल, तो याद रखिएगा सिल्वर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मेटल है, जो सबसे ज्यादा गुड रिफ्लेक्शन करता है। इसी वजह से जो आपके घरों के शीशे होते हैं उसमें पीछे सिल्वर की परत होती है, सिल्वर की लेयर होती है। कभी शीशा बनते हुए देखना, गिलास होता है, गिलास, गिलास के पीछे सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, और तब ताकि वो अच्छे से क्या कर पाए, रिफ्लेक्शन, और हमें अपना चेहरा दिख जाए, ठीक है। और उस सिल्वर को बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, उसके पीछे रेड कलर का पेंट कर देते हैं। कभी देखना शीशा छोटा शीशा हो तो पीछे लाल कलर दिखता है। अभी देखना जो मंदिर में शीशा लगता है, जब जो देते हैं ना छोटा छोटे शीशा आते हैं, कौन से आते हैं, श्रृंगार के समान में जो शीशा आता है, उसको कभी देखना तोड़ के हल्का सा निकालना तो पीछे लाल कलर की पॉलिश मिलेगी, है ना।
हरे कलर की, लाल कलर की, क्यों? ताकि वो जो अंदर मेटल है वो क्या हो जाए, प्रोटेक्ट रहे, वो जंग ना लगे उस पर, वो अच्छे से रिफ्लेक्शन शो करे. ठीक है, ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि विच मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो आप क्या बोलोगे? सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. इसी वजह से जो ऑर्डिनरी मिरर्स होते हैं उनकी कोटिंग पे हम लोग क्या यूज करते हैं? सिल्वर. लेकिन सिल्वर बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा है ना, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है. इसलिए आज के टाइम में नाउअडेज हम सिल्वर की जगह एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम और सिल्वर देखने में एक से लगते हैं, सेम कलर है. जो सिल्वर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आता है, आप देखो वो सिल्वर जैसे कलर का ही होता है, चांदी जैसे कलर का ही होता है. ठीक है, क्योंकि वो सस्ता भी होता है और काम भी उसके जैसा ही करता है, लेकिन उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती. तो वो जो छोटे छोटे शीशे नहीं आते 50-50 रुपए के, वहां सिल्वर की कोटिंग नहीं होती इसमें, उसमें किसकी होती है? जनरली एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है. ठीक है, क्योंकि चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, काम दोनों का एक ही है. ठीक है, तो सिल्वर. लेकिन जो बड़ी बड़ी ड्रेसिंग टेबल्स आती हैं 20-25-25-30-30 हज़ार की, उसमें सिल्वर की ही कोटिंग होती है, जो टिकाऊ होते हैं, 10-10-20-20 साल तक चलते हैं, है ना. लेकिन जो घरों के शीशे होते हैं मुश्किल से 2-3 साल, 4 साल, फिर उसमें आपको अपनी इमेज ढंग से नहीं दिखाई देती, ऐसा लगता है कि यार मेरी शक्ल इस शीशे में तो कुछ और है और इस शीशे में कुछ और आ रही है. कभी देखना, फील करना, कभी लगेगा यार मैं कमरे वाले शीशे में तो बहुत अच्छी आती है, यहाँ बहुत बेकार आ रही है ना, होता है ना कि रियलिटी दिख गई है. तो वही वाली बात है, डिपेंड करता है मटेरियल के कैसा रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका. ठीक है, इसी के हिसाब से मैं अपनी आज क्लास यहीं पे एंड करूंगा. इस वाले पार्ट को कल लिखवाएंगे, मिरर वाला एल्यूमिनियम वाले पार्ट को. रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुका है. एंड प्लीज अभी सुन लो, कल से सभी स्केल, कंपास, पूरी ज्योमेट्री लेकर आएंगे, क्योंकि रे डायग्राम स्टार्ट होंगे. इसमें डायग्राम से डायग्राम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटवाऊंगा नहीं, मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में. पहले इंट्रोडक्शन खत्म होके प्रॉपर केवल बनाना ही बनाना है डायग्राम, और आता ही आता है 5 नंबर का एक डायग्राम न्यूमेरिकल के साथ, एक रिफ्लेक्शन का, एक रिफ्लेक्शन के, जनरली आता ही आता है, लेंस का आ जाए, मिरर का आ जाए, हमें नहीं पता कौन सा आ जाए, हमें तो सारे पढ़ने हैं. कम से कम 30-35 डायग्राम बनने वाले हैं, 30 तो नहीं, 6-6, 12-12, 15-20 के अराउंड डायग्राम बनने वाले हैं, 20 के अराउंड. ठीक है, और वो कुछ नहीं है, रूल्स है बस. तो प्लीज कल से आप तैयार रहना, लेके आना, कल हो जाए या परसों हो जाए, मगर आप तैयार रहना. ठीक, तो मैं अपनी क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ. होमवर्क आपको अभी ग्रुप में मिलेगा, कोई दिक्कत है पूछेंगे. तो रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का टकरा के वापस आना, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ठीक है, इसी की वजह से मैं अपने आसपास की चीजों को देख पाता हूँ, वरना क्यों देख पाता. अब रिफ्लेक्शन कुछ सर्फेस तो बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बहुत बेकार. जो अच्छा करते हैं, अच्छा कब माना जाता है? कि एक ही डायरेक्शन में जाए सारी लाइट, तो वो अच्छा माना जाता है. जैसे चांदी करती है या लोहा करता, लोहा, चमकदार लोहा. अब मून है, मून को खुद देखो, मून की खुद की लाइट नहीं है. अब हम उसको क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो सन की लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन हमें क्या लगता है वो लाइट किसकी है तो नहीं ना. तो यही ऐसा होता है कि हमें लगता है ये लाइट इसकी है, मगर ऐसा नहीं है, वो इसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपको दे रहा है. सेम काम मून करता है, सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपकी अर्थ तक पहुंचाता है, रात को चांदनी बिखेरता है. ठीक है, तो यही खत्म करता हूँ आज के लिए, इतना. थैंक यू, कोई दिक्कत है पूछेंगे. सबसे अच्छा मेटल सिल्वर है, इसलिए हमारे शीशे भी उससे बनाए जाते हैं. कैसे बनाए जाते हैं कल सिखाएंगे. आज के लिए इतना. थैंक यू क्लास.